Hi friends, myself CA Jay Chawla, faculty of CA Inter IPCC Accounts and Advanced Accounts or CA Final Financial Reporting. Group 1 के exams over हो चुके हैं और जैसा कि कई सारे बच्चे जिन्होंने CA Intermediate या CA IPCC के जो students हैं, अगर उन्होंने अपने ग्रुप वन के एग्जाम्स दे दिए हैं और ग्रुप टू जो प्रिपेयर कर रहे हैं अगले अटेम्प्ट्स के लिए, तो उनके लिए मैं कुछ एक न्यूज देना चाहता हूं रिगार्डिंग माय वीडियो लेक्चर्स. किस तरीके से मेरे वीडियो लेक्चर्स आप ले सकते हो, मेरे वीडियो लेक्चर्स आप लेंगे तो कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स में, कितने आवर्स में आपके पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रेगुलर बैच होगा कि नहीं, क्रैश बैच होगा कि नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के जरिए देना चाहता हूं. सबसे पहले, अगर आप ग्रुप टू के एडवांस अकाउंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो और सीए आईपीसीसी मतलब ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, तो जैसा आप देख सकते हैं सीए आईपीसीसी एडवांस अकाउंट्स ओल्ड सिलेबस की बात करें तो आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो अभी मैंने रिसेंटली रिकॉर्ड किया हुआ है, कोई पुराना रिकॉर्डेड नहीं है, कुछ भी पुराना उसमें नहीं है, रिसेंटली मैंने उसको रिकॉर्ड किया है जिसमें लगभग 81 लेक्चर्स हैं. अब आपको लग रहा होगा कि 81 लेक्चर्स बहुत ज्यादा हैं, बट अगर आप ड्यूरेशन देखोगे तो ड्यूरेशन है 130 आवर्स का, मतलब 2 घंटे पर ड्यूरेशन, 2 घंटे भी नहीं है, लगभग 1.5 घंटे के हिसाब से मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है. तो आप अगर आईपीसीसी के स्टूडेंट्स हैं और आपका अगला आप अपना कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं तो आप मेरे लेक्चर्स परचेज कर सकते हो. टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 81 रहेंगे और ड्यूरेशन 130 आवर्स के लगभग रहेंगे. आपको लेक्चर्स कैसे परचेज करने हैं, कहां से सबसे कम प्राइस पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब मैं आपको इस पूरी इंफॉर्मेशन सारे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन के बाद बताऊंगा. दूसरा, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं मतलब न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरा रेगुलर बैच परचेज करना चाहते हो तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 69 लेक्चर्स रहेंगे और लगभग ड्यूरेशन रहेगा 130 आवर्स. ये भी बैच पूरा कंप्लीट है, मैंने अभी रिसेंटली उसको रिकॉर्ड किया था तो 69 लेक्चर्स में मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ है, 130 आवर्स के लगभग रहेगा. ये दोनों बैचेस मतलब आईपीसीसी एडवांस अकाउंट्स और इंटर एडवांस अकाउंट्स, दोनों बैचेस रेगुलर बैच रहेंगे मेरे. रेगुलर बैच रहेंगे इसका मतलब सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कवर अप करवाए जाएंगे. सारे क्वेश्चंस कहां से कवर अप करवाए जाएंगे, आपके स्टडी मटेरियल में से, पीएम प्रैक्टिस मैनुअल. प्रैक्टिस मैनुअल वैसे तो ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने न्यू सिलेबस में भी ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुअल जहां जहां तक जो टॉपिक्स एप्लीकेबल होते हैं वो टॉपिक्स के पीएम से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और करवाए हैं. पास्ट आरटीपीज और एमटीपीज के क्वेश्चंस करवाए हैं, कवर अप करवाए हैं और पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स के भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं. आप ये मान के चलो कि मैंने लगभग पिछले 8 साल के क्वेश्चंस का एक बंच बनाया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं. नोट्स आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, आपको एक क्वेश्चन बुक मिलेगा. ये जो क्वेश्चन बुक मिलेगा इसकी एक खासियत ये है कि इसमें वही क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में कवर अप नहीं किए हैं, स्पेसिफिकली इन इंटरमीडिएट. जो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में कवर अप नहीं किए हैं या जो क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगा कि इंस्टीट्यूट अलग से प्रोवाइड कर सकता है, एग्जाम में दे सकता है, तो इसमें वो क्वेश्चंस रहेंगे. मतलब मैं आपको कोर्स कहां से करवाऊंगा, मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल पीएम में से तो क्वेश्चंस करवाऊंगा ही सही, बट इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन बुक में वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में कवर नहीं किए. इसके अलावा आपको अलग से एक एएस की बुक दी जाएगी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अलग से बुक देने का कारण यह है, बिल्कुल पतली सी बुक होगी और उसमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, समरी नोट्स वगैरह सब मिलेंगे और अकॉर्डिंगली उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल और पीएम में कवर नहीं किए. तीसरी बात, आपको अलग से क्लास में ही जितना भी समरी मैं डिस्कस करता हूं, समरी चार्ट्स वगैरह बनाता हूं, वो सब आपको क्लास में ही बनाने को मिलेगा जो कि आप एंड में एग्जाम टाइम पे आप उसका यूज कर सकते हो. चलिए, सो ये बात थी रेगुलर बैचेस की. दोनों
रेगुलर बैचेस, चाहे आप आईपीसीसी की बात करें चाहे आप न्यू सिलेबस इंटरमीडिएट की बात करें, तो 130 आवर्स में मेरा रेगुलर बैच कंप्लीट हो रहा है। मेरा ये मानना है कि 130 आवर्स में अगर मेरा बैच कंप्लीट हो रहा है, और अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो 69 लेक्चर्स हैं। गाइज अगर आप मेरे ये लेक्चर्स परचेज करते हो, आपने कभी अभी तक आपने एडवांस अकाउंट नहीं किया, बिलीव मी रिजल्ट आने से पहले पहले अगर आपने ये मेरे लेक्चर्स को कंप्लीटली देख लिया तो आप बहुत ज्यादा फायदे की सिचुएशन में होगे, क्योंकि रिजल्ट जब आपका आएगा ग्रुप वन का, तो वॉट एवर द रिजल्ट में भी, भगवान करे आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहे, बट वॉट एवर द रिजल्ट में भी आप अपना एडवांस अकाउंट्स कंप्लीट कर चुके होंगे और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे। मेरे लेक्चर्स की सबसे अच्छी बात यह है, जो कंपैरेटिवली मैं बताऊं कि दूसरे टीचर्स से ज्यादा एडवांटेज मेरे लेक्चर्स में ये रहता है। कॉन्सेप्चुअली तो ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी टीचर्स कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ाते, गाइज टीचर फ्रेटर्निटी से हूं तो मैं किसी को नेगेटिवली कुछ नहीं बोल सकता हूं और बोलना भी नहीं चाहिए, बट मेरे लेक्चर्स में कंपैरेटिवली आपको एक स्टेप आगे क्या मिलेगी, मेरे लेक्चर्स में नंबर ऑफ व्यूज 3 times का रहता है। मतलब ये कि अगर मेरा लेक्चर 60 मिनट्स का है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे लेक्चर 60 मिनट का एक लेक्चर है, तो आप उसको 180 मिनट्स, मतलब 60 × 3 180 मिनट्स टाइम आप देख सकते हो, आप बार बार उसको चला के टोटल मिला के 180 मिनट्स तक देख सकते हो, 3 views तक देख सकते हो। मोस्टली बाकी जो टीचर्स होते हैं वो 1.5 view, 2 views देते हैं, मैंने अपने लेक्चर्स में 3 views दिए। 6 months की वैलिडिटी दी है, आप 6 months में आप इसको कितनी, मतलब 180 मिनट्स तक, मतलब 3 बार तक देख सकते हो। आगे चल के 6 months के बाद अगर आपकी इसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, कोई इश्यू नहीं है, आप वैलिडिटी को वापस से एक्सटेंड भी करवा सकते हो, और उसके लिए आपको नॉमिनल सा अमाउंट पे करना पड़ता है, ज्यादा कोई अमाउंट पे भी नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने मेरा एक लेक्चर परचेज किया, 6 महीने कंप्लीट हो गए, आपको फिर से लेक्चर परचेज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने लेक्चर्स की वैलिडिटी को वापस से एक्सटेंड करवा सकते हो। नाउ व्हाट्स न्यू, नया ये है गाइस, फर्स्ट टाइम सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट्स का मैं क्रैश बैच प्लान कर रहा हूं। अब ये क्रैश बैच किन बच्चों के लिए है? ये क्रैश बैच दोनों टाइप के बच्चों के लिए, वो बच्चे जिन्होंने पहले कभी सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस किसी भी फैकल्टी से अगर ली हैं और उनको अगर वापस से पढ़ना है, वो सब चीजें भूल चुके हैं, वापस से पढ़ना है, कम टाइम में पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, तो वो बच्चे मेरा क्रैश बैच परचेज कर सकते हैं। दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने आज तक एडवांस अकाउंट्स नहीं पढ़ा है बट वो कम समय में पूरा एडवांस अकाउंट्स कंप्लीट करना चाहते हैं, कम समय में पूरा एडवांस अकाउंट्स कंप्लीट करना चाहते हैं, बिलीव मी गाइस वो ये लेक्चर्स उन बच्चों के लिए भी रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि क्रैश बैच सिर्फ रिपीटर्स के लिए रहेगा, फ्रेशर भी जिसने आज तक एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस नहीं किए, मैं डेमो लेक्चर्स डालने वाला हूं यूट्यूब पे, मैं जब डेमो लेक्चर्स डालूंगा तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि इसको कोई फ्रेशर स्टूडेंट भी आराम से देख सकता है। बस फर्क यह है कि ये लेक्चर्स मेरे 80 आवर्स के रहेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स टेंटेटिवली 40 रहेंगे। मैं टेंटेटिवली इसलिए बोल रहा हूं, एस्टिमेटेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करना मैंने ये शुरू नहीं किया है। मैंने अपना जो क्लासेस शेड्यूल किया है वो मेरा ये फेस टू फेस क्लासेस रहेगा मेरे सेंटर पे भोपाल में, साथ साथ ये क्लास बैच रिकॉर्ड होगा और लगभग ये बैच आपको मिलेगा 18th of December 2018 से। 18th ऑफ दिसंबर से आप इसको परचेज कर सकते हो क्योंकि मैं अपना जो बैच रहेगा वो 18 दिसंबर से पहले अपना बैच कंडक्ट करूंगा फेस टू फेस, वो फेस टू फेस बैच रहेगा 40 लेक्चर्स का और वही आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। तो सबसे खुशखबरी वाली बात यह है कि जिन बच्चों को कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है बट सारा कोर्स कॉन्सेप्ट सहित सारे क्वेश्चंस सब चीजें कंप्लीट करनी है तो वो मेरा क्रैश बैच परचेज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन होगा बच्चों को कि सर दोनों बैचेस में फर्क क्या हुआ, दोनों बैचेस में फर्क ये हुआ, सिमिलरिटी क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी है कि कॉन्सेप्ट्स जितने मैंने यहां बताए हैं वही सेम टू सेम उसी तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट्स यहां पर भी डिस्कस करूंगा। मतलब मैं कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने में किसी प्रकार से कंजूसी नहीं करने वाला हूं। दूसरी बात, डिसिमिलरिटी क्या है, मतलब डिफरेंसेस क्या है,
यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मान लीजिए कंसोलिडेशन की बात करें, रेगुलर बैच में एक चैप्टर है आपका कंसोलिडेशन जिसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अमैलगमेशन जिसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जैसे अमैलगमेशन बात करें, कंसोलिडेशन बात करें, मैं अपनी रेगुलर बैच की अगर बात करूं तो मैं लगभग लगभग 50 से 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाता हूँ, 50 से 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसके अलावा एग्जाम्पल्स वगैरह मिला के करवाता हूँ। अगर मैं क्रैश बैच की बात करूं तो क्रैश बैच में जो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो लगभग लगभग इसके 50-60% आ जाएंगे। मतलब क्रैश बैच में सेम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होंगे, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 50-60% हो जाएंगे, जितने मैंने रेगुलर बैच में डील किए होते हैं उसका 50-60%। और वो सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो टफ हैं, जो बच्चों को क्लास में करवाने चाहिए। मुझे लगता है कि बच्चा कुछ क्वेश्चंस अपने आप से कर लेगा, जो जो सिंपल सिंपल है वो मैं नहीं करवाता हूं क्रैश में, मैं क्रैश में इंपॉर्टेंट जो टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं मैं वो करवाता हूं। ध्यान रहे मेरा क्रैश बैच अभी अवेलेबल नहीं रहेगा, मेरा क्रैश बैच अवेलेबल रहेगा 18 दिसंबर से। तो आपके पास ऑप्शन है, मतलब न्यू सिलेबस वाले बच्चों के पास ऑप्शन है कि वो रेगुलर बैच भी परचेज कर सकते हैं या फिर क्रैश बैच भी परचेज कर सकते हैं। क्रैश बैच के लिए उनको वेट करना पड़ेगा 18 दिसंबर तक, रेगुलर बैच मेरे आईपीसीसी इंटर के अवेलेबल हैं। चलिए ठीक, अब ये आप परचेज कैसे कर सकते हो, हाउ कैन वी परचेज द लेक्चर्स? तो मेरा वेबसाइट है बेटा charterscorner.com, मेरा वेबसाइट है charterscorner.com। तीन तरीके हैं मेरे लेक्चर्स परचेज करने के लिए। आप अगर ये चाहते हो कि आपको सबसे डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आपको लेक्चर्स चाहिए, सबसे कम प्राइस पे अगर आपको लेक्चर्स चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे लॉगिन करिए, रजिस्टर्ड सेंटर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरे रजिस्टर्ड सेंटर्स हर सिटी में जहां जहां मेरे रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं आपको उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उन रजिस्टर्ड सेंटर्स पे जाइए और आपको वहां से लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे सबसे कम प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे। ये स्पेसिफिक सिर्फ मेरी वेबसाइट पे ही आपको ये मिलेगा ऑप्शन और कहीं नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी स्पेसिफिक सिटी में मेरा कोई रजिस्टर्ड सेंटर नहीं है, अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा कैसे लेक्चर लेगा? तो उसके लिए वो चाहे तो पेन ड्राइव में डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है charterscorner.com से लॉगिन करके, या अगर आपको पेन ड्राइव की कॉस्ट सेव करनी है, 500-1000 रुपए की कॉस्ट का डिफरेंस रहता है अगर आपको वो सेव कर रहा है, तो आप गूगल ड्राइव ऑप्शन ले सकते हो। गूगल ड्राइव ऑप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आपको घर बैठे लेक्चर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, और अगर आप पेन ड्राइव में जाओगे तो आपको हम पेन ड्राइव के थ्रू लेक्चर्स पूरे प्रोवाइड करेंगे। रजिस्टर्ड सेंटर्स के थ्रू अगर आप परचेस करते हो तो आपको रजिस्टर्ड सेंटर में जाना पड़ेगा, आपको उनको फीस पे करना पड़ेगा डिस्काउंटेड प्राइस, और वो लोग आपको आपकी पेन ड्राइव या आपकी दी गई हार्ड डिस्क में आपको वो लोग लेक्चर्स कॉपी करके दे देंगे और इंस्टॉल करके दे देंगे। जो डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं वो लगभग लगभग, ये मान लीजिए अगर मैं रेगुलर बैच की बात करूं तो कंपैरेटिवली गूगल ड्राइव से उसका जो डिफरेंस रहता है वो 700-800 रुपए का रहता है। मतलब आप गूगल ड्राइव परचेस करोगे या फिर अगर आप रजिस्टर्ड सेंटर से परचेस करोगे तो लगभग आपको 700-800 का डिफरेंस मिलेगा, और अगर आप क्रैश बैच की बात करें तो आपको मिनिमम 500 रुपए का तो डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। क्रैश बैच की डिटेल्स मैंने अपने चार्टर्स कॉर्नर की वेबसाइट पे भी जल्दी से जल्दी अपडेट कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। और आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं गाइस, आपने अगर मेरे लेक्चर्स कभी नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, या अगर आपने लेक्चर्स मेरे देखे हैं तो मैंने पिछले अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईपीसीसी के लिए और इंटरमीडिएट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियो डाला था 2.5 घंटे का। उस 2.5 घंटे में मैंने सारे स्टैंडर्ड्स कवर किए थे पूरे के पूरे विद समरी चार्ट्स, एंड बिलीव मी इतना बच्चों को फायदा हुआ है उस फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियो से कि अब मैंने प्लान किया है कि मैं आगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए अलग से सेपरेट वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, कंसोलिडेशन का अलग से, वैल्यूएशन का अलग से, अमैलगमेशन का अलग से, ओल्ड कोर्स वालों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी रिकॉर्ड करूंगा, न्यू कोर्स वालों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉर्ड करूंगा, सो दैट आपको लास्ट डे पर रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना आए, आपको एग्जाम डे पर रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम ना आए।
सो आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं, डोंट वरी। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है, आपको मेरे लेक्चर्स आप देख रहे हैं, आपको किसी प्रकार से कोई कॉन्सेप्चुअली डाउट हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे टेलीग्राम पे। इसके अलावा आप मुझे कॉल करके भी मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो और क्लियर कर सकते हो। सो गाइज, मुझे लगता है मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी है। आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखें और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट्स देख रहे हो तो आप प्लीज अपने जूनियर्स के साथ ये शेयर करिए। चलिए गाइज, chartedscorner.com का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं आपके साथ, और मेरे जितने भी रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं, रजिस्टर्ड सेंटर्स की डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑल दो अगर आप चार्टर्ड कॉर्नर पे जाओगे तो आपको मेरे रजिस्टर्ड सेंटर्स की डिटेल मिल जाएगी। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।